कश्मीर होगा आतंकियों से मुक्त, यकीन नहीं तो पूरा वीडियो देखिए। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे से पहले थर्राए आतंकी, यकीन नहीं तो पूरा वीडियो देखिए। 3 किलो आईडी ले जा रही महिला गिरफ्तार, यकीन नहीं तो पूरा वीडियो देखिए। कश्मीर की फिजा बदल गई, पहले जहां बंद कश्मीर की पहचान थी, वहीं अब एनकाउंटर कश्मीर की पहचान बन चुकी है। यही वजह है कि बौखलाए आतंकी खेमा साजिशों का ताना बाना रच रहा, तो सुरक्षा बल हर साजिश को नाकाम करने में लगे हैं। अब देखिए ना, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने 3 किलो विस्फोट के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में महिला से पूछताछ की जा रही और ये भी पता लगाया जा रहा कि इस विस्फोटक को कहां ले जाया जा रहा था। दरअसल पुंछ पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध महिला पुंछ कस्बे के परेड ग्राउंड क्षेत्र में घूम रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने महिला को हिरासत में लेकर तलाशी ली, तो उसके पास से भारी मात्रा में आईईडी बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक महिला के खिलाफ पुंछ थाने में मामला दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस महिला के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही, वहीं जांच एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर पुंछ के SSP रोहित ने पुलिस के साथ समय पर सूचना साझा करने के लिए आम जनता का धन्यवाद किया और नागरिकों से पुलिस की आंख कान बनने का अनुरोध किया। वैसे ये घटना तब सामने आई है जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं, और अगर एक दिन पहले की बात की जाए तो जम्मू उधमपुर जिले में 2 बम विस्फोट ने सनसनी मचा दी है। पहले बुधवार देर रात जम्मू के उधमपुर जिले में एक बस में धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोग घायल हुए। बस के आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरा हमला सुबह 6 बजे इसी इलाके में हुआ। ये घटना एक बस में ठीक उसी तरीके से हुआ जैसा बुधवार शाम उधमपुर के एक पेट्रोल पंप में खड़ी बस में हुआ था। सूत्र बताते हैं कि इसमें स्टिकी बम इस्तेमाल की आशंका है। यही वजह है कि पूरे मामले की जांच के लिए NIA टीम को रवाना किया गया। खैर, गोली की जुबान समझने वाले दहशतगर्दों को अमन की जुबान नहीं समझ में आई और फिर उनका वही हाल हुआ जो देश के दुश्मनों का होना चाहिए। पिछले लंबे समय से जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। कभी स्थानीय नेताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर देते हैं, तो कभी सेना और पुलिस के जवानों पर अटैक करते हैं। जवान भी पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकियों का सामना कर उन्हें मौत के घाट उतारने में देर नहीं लगाते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।